नवा रायपुर स्थित मंत्रालय परिसर में पेड़ पर लटका हुआ युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था। कुछ दिन पहले उसे नौकरी से हटा दिया गया था। छट्टी का शिकार हुआ कर्मचारी बेरोजगारी से परेशान था। वहीं घटना राखी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि नवा रायपुर के इंद्रावती भवन की पार्किंग के पास पेड़ में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं खुदकुशी करने वाले कर्मचारी का नाम योगेश वानखेड़े है। योगेश भिलाई का रहने वाला था। मृतक योगेश मंत्रालय के फूड डिपार्टमेंट में डेली बेस में ड्राइवर की नौकरी करता था। वहीं परिजनों ने बताया है कि कुछ दिन पहले ही उसे नौकरी से हटा दिया गया था। उसका कुछ वेतन भी बकाया था जिसकी वजह से वो परेशान था। वहीं मंगलवार को योगेश अपने काम के सिलसिले में ही फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलने आया था। जिस पार्किंग में वो विभाग की गाड़ी पार्क करता था वहीं एक पेड़ से योगेश का शव गमछे से बने फंदे पर झूलते हुए मिला। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की। इंद्रावती भवन और उसके जो गेट नंबर 1 के पास बस स्टैंड का जो परिसर है उससे लगा हुआ जो परिसर है उसके पेड़ में कल उकंड राव इसके द्वारा उकंड राव वानखेड़े के द्वारा फांसी लगा करके आत्महत्या करने के संबंध में जानकारी मिली थी और जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी और CSP की टीम मौके पर उपस्थित होकर के उसका जांच कर रहे थे। इस दौरान जांच में पाया गया कि वो पूर्व में 2017 में खाद्य विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में ड्राइवर के रूप में नियुक्त होकर के काम कर रहा था। अब मई 2021 में उसको सेवा से पृथक कर दिया गया था जिसके कारण वो परेशान रहता था।